36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में खेले जा रहे हैं। इन खेलों में कुल 36 प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन हो रहा है। इनमें से योगासन को पहली बार राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं कि योगासन की तैयारियां कैसी हैं। ये प्रिपरेशन तो लास्ट 15 डेज वन मंथ से चल रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारा जो एथलीट का इकोसिस्टम है, लगभग 20 स्टेट से हमारे 272 एथलीट्स आए हैं। अबाउट 100 ऑफिशियल्स आर हियर बिटवीन कोचेज एंड टेक्निकल ऑफिशियल्स, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल गेम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ हिस्ट्री दैट नेशनल गेम्स इज हैपनिंग इन गुजरात, एंड वी कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू एक्चुअली होल्ड दिस नेशनल गेम्स इन लेस देन 90 डेज। द प्रेपरेशन वॉज डन लेस देन 90 डेज। स्टेट्स टेक एट लीस्ट 3 to 4 ईयर्स टू बिल्ड द नेशनल गेम्स। योगासना भारत का जो खेल है वो 36वीं नेशनल गेम्स में शामिल किया गया है। उसमें 5 इवेंट पर हमारा मैक्सिमम फोकस रहेगा। जो इवेंट हमारे डिवाइड होती है वो इंडिविजुअल, पेयर और टीम में होती है। एक होती है ट्रेडिशनल योगासना, आर्टिस्टिक योगासना सिंगल, आर्टिस्टिक योगासना पेयर, रिदमिक योगासना पेयर और आर्टिस्टिक योगासना ग्रुप। अब जो ग्रुप इवेंट है उसमें बच्चों को तालमेल बना के आसन करने होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, रिस्क एंड बैलेंस। योगासना में सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बॉडीली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, दे आर कनेक्टिंग विद ऑल। मैं ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक सिंगल, रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ और बहुत अच्छा लगा। पहली बार नेशनल गेम्स में योगासन को जोड़ा गया है, एक प्लेयर के लिए बहुत अच्छी बात है और हम सब प्लेयर को अच्छा इंस्पिरेशन मिल रहा है कि हम योगासन में और आगे बढ़े। हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से चल रही है। हम पहले थोड़ा वीक थे लेकिन कैंप की वजह से अब हमारा जोश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी हमारा सिर्फ इरादा है कि हम गोल्ड मेडल लेके और जनरल चैंपियनशिप लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। योगासन में कुल 10 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir.